जो कि छोटे बच्चों में एकेडमी के फलसफे हॉकी क्लब में हॉकी स्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन का ये तकरीब मुनक्कद की गई। और आज की हमारी इस तकरीब के मेहमानों को दूसरी जनाब हाफिज मुसम्मा कादरी भाई जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके हमारा वजीर कुरैशी भाई जो कि एम पी हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ होते हैं। इसके साथ साथ अकबर हुसैन खान जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट डी एम सी, फाजिल खान दादा भाई वो भी मौजूद हैं, एजाज भाई टाउन ऑर्गेनाइजर एम पी पाकिस्तान, फराज भाई वो भी टाउन मेम्बर हैं, अमराज भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, सलीम यूसुफ साहब जो कि हमारे पेरेंट्स हैं और इसके अलावा और भी दीगर पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, वेटरन खिलाड़ी हैं आबिद नईम साहब हैं, फैसल शेख साहब जो डायरेक्टर हैं असगर अलीशा एकेडमी के, उसके साथ साथ चेयरमैन हमारे इम्तियाज शेख साहब, समीर भाई हमारे रूए रवा हैं इस क्लब के, और ये तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मुबशर मुख्तार जो कि इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, जुनेद असलम जो कि एकेडमी के कोच हैं, सरदार जीलानी, आबिद कलील, तबस्सुम और मेरे सारे बहुत सारे वेटरन्स और जूनियर प्लेयर्स, मैं सबको अलसगीर हॉकी क्लब की जानेब से खुश आमदेद कहता हूँ। आज के इस तकरीब को हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मैं अलसगीर हॉकी क्लब का उसामा कादरी भाई से मैं बात कर चुका हूँ कि उसामा कादरी भाई अलसगीर हॉकी क्लब 36 साल से नॉर्थ कराची के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये जो आप हमारे वेटरन प्लेयर्स देख रहे हैं, ये पीछे तबस्सुम भाई खड़े हैं, सरदार जिनानी, आबिद ये खड़े हैं, ये सब इसी उम्र में यहाँ पर आए थे और माशाल्लाह अपने अपने वक्त पर अच्छे नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के अलावा डिपार्टमेंट्स को भी सर्व करते रहे हैं। जुनेद असलम जो इस वक्त अकेडमी के कोच हैं वो नेशनल बैंक स्पोर्ट डिपार्टमेंट से, और यहाँ पर 4 बजे जो है यहाँ पर आके ये सारे बच्चों को ट्रेन करते हैं। अदनान नकवी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन हमारे वैसा प्लेयर हैं, और ये ग्राउंड जो है 11 साल पहले बना था और जब से जो है ये गैर आबाद था, एक आध दफ़ा इस पर प्रैक्टिस की है तो वो भी हमारे क्लब ने ही प्रैक्टिस की, उसके बाद ये गैर आबाद हो गया। तो अभी इस ग्राउंड को हमने दोबारा से आबाद किया है और ये सारे जो है इसी मोहल्ले के नॉर्थ कराची 11A 11B के बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। मैं उसामा कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि इस ग्राउंड पे हम एस्ट्रोटर्फ लगाने का भी इरादा रखते हैं। होंडा एटलस के जो CEO के जो एडवाइज़र हैं, चेयरमैन हमारे इम्तियाज शेख साहब, वो भी यहाँ पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं तो हमारे पास इस ग्राउंड के कोई वो नहीं है, कोई MOU नहीं है, कोई किसी चीज़ नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई करें और हमारी मदद करें ताकि एक बहुत अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट इस इलाके में नॉर्थ कराची में हो सके। साथ साथ मैं उन तमाम पेरेंट्स का जो कि इन बच्चों को यहाँ पिक एंड ड्रॉप करते हैं, लेके आते हैं, लेके जाते हैं और हमारी साथ वो टाउन भी करते हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस एकेडमी में हम कोई चीज़ नहीं लेते हैं और ये सारी एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बात और मैं बताता चलूँ कि मैं खुद कराची हॉकी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और जबकि समीर भाई जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के, और हम एफिलेटेड हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ। तो इस क्लब पे जो है मैं आपके जो भी आप हमारे लिए कुछ कर सकें तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो आप इन बच्चों के लिए, इस एरिया के लिए कुछ ना कुछ आप खिदमत करें, उनके लिए कोशिश करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बहुत शुक्रिया।